गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इट इज आर ईवीएस क्लास ऑफ क्लास टू इन आर प्रीवियस क्लासेजेडरसाइज ऑल्सो टूडे वी विल डू नोटबुक वर्क तो यहाँ तक हमने कम्प्लीट कर लिया था चैप्टर वन आज हम नोटबुक वर्क करेंगे यूज फोर लाइन नोटबुक्स फॉर ई वी एस ऑन दैट यूल राइट योर नेम रोल नंबर क्लास सेक्शन

then the name of chapter family and relatives in the next line then in next line write question 1 difficult words the first question will be difficult words first word is parents p a r e n t s parents second word will be nuclear n u c l e a r nuclear third one is nephew एन ई पी एच ई डब्ल्यू नेफ्यू नेफ्यू होता है भतीजा न्यूक्लियर होता है छोटी फैमिली जो मूल फैमिली होती है उसको बोला जाता है पेरेंट्स आपको पता है मम्मी पापा होते हैं देन नीस एन आई ई सी ई नीस नीस होती है भतीजी सी ओ यू एस आई एन कजन कजन होता है चचेरा बाई या बहन ज्वाइंट जे ओ आई एन टी ज्वाइंट ज्वाइंट होता है संयुक्त परिवार या संयुक्त फैमिली उसको बोला जाता है -E होती है बेटी सो दीज आर द डिफिकल्ट वर्ड्स राइट इन योर नोटबुक इन वेरी गुड हैंड राइटिंग एज आई द सेकेंड क्वेश्चन आंसर्स द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू टाइप्स ऑफ फैमिलीज दो टाइप की फैमिलीज हैं दो किस्म की फैमिली उनके नेम लिखने हैं द फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर फैमिली देन सेकेंड इज ज्वाइंट फैमिली द सेकेंड क्वेश्चन विल बी वॉट इज अ न्यूक्लियर फैमिली न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है अ फैमिली हैज ओनली पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली वो फैमिली जिसमें सिर्फ पेरेंट्स हो और उनके बच्चे हों तो वो वाली फैमिली न्यूक्लियर फैमिली होती है द थर्ड क्वेश्चन विल बी वॉट इज अ ज्वाइंट फैमिली ज्वाइंट फैमिली क्या होती है अ फैमिली वेयर पेरेंट्स चिल्ड्रन पेरेंट्स अंकल्स आंट्स एंड कजन लिव टूगेदर इज कॉल्ड अ ज्वाइंट फैमिली जिस फैमिली में पेरेंट्स रहते हैं उनके बच्चे होते हैं ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं दादा दादी अंकल आंट चाचा चाची और उनके बच्चे कजन्स होते हैं एक साथ रहते हैं लिव टूगेदर मीन्स साथ रहते हैं सभी एक ही फैमिली में वो वाली फैमिली ज्वाइंट फैमिली होती है दीज क्वेश्चन आंसर्स यू विल राइट इन यूर नोट बुक्स इन वेरी गुड हैंड राइटिंग एज आई है आफ्टर राइटिंग एवरी क्वेश्चन यू कैन लीव अ लाइन फॉर गुड हैंड राइटिंग जैसे पहले क्वेश्चन लिखा उसका आंसर लिखा यहाँ पे आपने लाइन छोड़नी है फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है देन राइट आंसर क्वेश्चन आंसर देन लीव अ लाइन देन राइट नेक्स्ट क्वेश्चन होप यू ऑल अंडरस्टूड हाउ टू डू राइट इन वेरी गुड हैंड राइटिंग थैंक यू हैव अ नाइस डे